हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद जा। तो कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ डिश नहीं बनाया था मैंने, और लाइव भी मैं अभी कुछ टाइम पहले आई थी, तो मैंने सोचा कि इनएक्टिव थी इतने टाइम से, तो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं डिनर में जो क्या बना रही हूँ वो शेयर करूँगी। तो मैं डिनर में आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बना चुकी हूँ, रायता बना चुकी हूँ, कचौरी शेयर करूँगी। तो कचौरी मैं बना रही हूँ आलू प्याज और मटर की। तो बेसिकली होता क्या है, एक ही चीज़ की कचौरी बनती है, या तो आलू की बनती है, या तो मटर की, या प्याज की। तो मैं इन तीनों को मिक्स करके एक अच्छा सा हेल्दी सा कचौरी शेयर करूँगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, व्लॉग्स मेरे अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और लाइक ज़रूर किया करिए। और जो भी आप लोगों को कमी भी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर हम वर्क करेंगे। दूसरा, मेरे इन हाथों को देख रहे हैं तो इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि आज मैंने जनेऊ बनाया है। जनेऊ होता है जो ब्राह्मण में लोग जनेऊ पहनते हैं, वो बनाया। अगर उसका व्लॉग चाहिए तो अभी और बनाऊँगी आगे, तो मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 2 बोल गेहूं का आटा, 1 बोल लिया है सूजी, यहाँ लिया है थोड़ा सा मटर, चॉप किए हुए प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं, और यहाँ लिया है आलू। और इसमें डालने के लिए हम कुछ ज़्यादा खास नहीं लेंगे, सिर्फ आप नमक ले लीजिए, और ये थोड़ा सा मैंने ना सांभर मसाला जो होता है वो दिया है। इसमें धनिया हल्दी कुछ नहीं डालना। तो सांभर मसाला लिया है, थोड़ी सी फ्लेवर के लिए हरी मिर्च और अमचूर पाउडर, यहाँ थोड़ा सा अजवाइन भी लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम डो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर बोल में गेहूं का आटा, ऑयल हम ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसमें मोइन के लिए ऑयल भी डालना है। सूजी डाल देंगे और थोड़ा सा जो अजवाइन है इसको क्रश कर लेंगे। और यहाँ हम जो लेंगे नमक लेंगे, तो नमक के लिए थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक, और थोड़ा सा मैं जब इसका मसाला बनाऊँगी तब डालूँगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल मोइन के लिए डालेंगे, 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हाथों का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा चम्मच से करके फिर उसके बाद हाथ से मिक्स करूँगी इसे। और इसका जो डो बनाएंगे हम वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, टाइट टाइट सा करना है, जो फिलिंग के टाइम हमें इसके फूटे नहीं। अब इसको मैं हाथ से मिलाऊँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो बना लेना, जैसे हम नॉर्मली पराठे का बनाते हैं उस टाइप से बना लेंगे। इसमें सूजी है ना, तो इसको थोड़ा सा इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये रेस्ट के लिए है तो हम इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया, और थोड़ा सा इसमें बहुत ही कम ऑयल डालना है। ऑयल देखेंगे गर्म हो जाए, क्योंकि ये गीला हो जाएगा तो नहीं फिल हो पाएगा ज़्यादा। ऑयल गर्म हो जाए तो थोड़ा सा, आप कोई भी फ़ौरन के लिए ले सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा राई और अजवाइन डाल रही हूँ। राई का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो राई यहाँ पे तड़क चुकी है, अच्छे से तड़क गई है ये। इसके बाद हम यहाँ पे प्याज डालेंगे जो हमने बारीक चॉप किया है। प्याज को लाल करना है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाए, ऐसे हमें ये करना है। सॉफ्ट हो जाएगा तो फीलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको लगातार चलाती रहूँगी कि हर तरफ से ये लाल भी हो जाए, क्योंकि ऑयल का यूज़ हमने कम किया है। इसके बाद मैं इसमें, ये हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना था और थोड़ा सॉफ्ट करना था,
इसके बाद मटर डाल देते हैं। मटर एक चीज़ मैं बताना आप लोगों को भूल गई, ये बॉइल्ड है, कच्चे नहीं हैं, ये उबले हुए हैं। तो अगर आप कच्चे लाते हैं मार्केट से तो इसको उबाल लीजिए, क्योंकि उबला हुआ है तो दोबारा हमें उबालना नहीं है इसे। मटर डालने के बाद देखेंगे कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, देन अब हम इसमें नमक डालेंगे, ये अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब कर जाए। नमक मैं इकट्ठे डाल देती हूँ, है ना, आलू भी है और ये फिलिंग के लिए। तो इसमें हो गया है हमारा। हरी मिर्च मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला था कि थोड़ा सा इसका झसका लगता है, तो अब इसमें हरी मिर्च डाल के इसको मैशर से थोड़ा मैं मैश करूँगी। फिलिंग के वक्त ये मटर निकल के बाहर नहीं आए, इसलिए मिर्च डालने के बाद खांसी सी होने लगती है, इसीलिए नहीं डाला। जो मसाले लिए हैं मैंने वो भी डाल दिया है। अब मसाले में कुछ भी नहीं है, मसाला लिया था वो भी डाल दिया। देन इसको करते हैं मैश। मैश हो गया है ये लगभग, इसको देखते हैं। इसमें अब आलू डाल देते हैं। आलू को भी मैंने पहले मैश किया हुआ है, कर लिया था, बॉयल आलू हैं। इसमें आप नमक मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी भी नहीं डाला है और लाल मिर्च पाउडर भी नहीं डाला है, सिर्फ इसमें जो सांभर मसाला है उसका यूज़ किया है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बस इसके बाद गैस करती हूँ ऑफ। ये हो चुका है मिक्स, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए मैं प्लेट में निकालूंगी इसको, फ़ैन के नीचे या फिर कहीं पे ऐसे रख देंगे कि जल्दी इसे ठंडा हो जाए। ये देखिए हो गया है, ये ठंडा भी हो चुका है, देख सकते हैं आप सभी। इसको अब हम आटा देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सूजी डला हुआ है इसमें। एक दो हाथ मार के इसको सही करेंगे। इधर मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दी है, तो कढ़ाई गरम हो गई, इसमें ऑयल हम डाल लेंगे। ऑयल मैं इसको खोल के ही डाल लेती हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। और यहाँ पर लोई ले लेंगे, जैसे हम रोटी की लोई लेते हैं रोटी के लिए, पराठे के लिए। बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंद के मैंने ये रेडी किया है, सूजी होने की वजह से बहुत खस्ता सी बनेगी, तो ऐसे कर लेंगे, इसके कटोरी टाइप में बना लेंगे। और इसमें जो ये फिलिंग बना के मैंने रेडी किया है, इसमें उसको फिल करेंगे। ज़्यादा लगे तो आप निकाल दीजिए। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, ऐसे इस तरीके से इसको बंद करना है। और इसको ऐसे दबा देना है, ऐसे मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर बेल के और इसको डीप फ्राई करके फिर दिखाऊंगी। मैंने इस टाइप से ये लोई बना के रेडी कर लिया। इसको ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के हाथों से ही आपको करना है। थोड़ा सा चाहेंगे तो ऑयल लगा लीजिए, बिना ऑयल के भी ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसको लास्ट में मैंने जब डो बनाया था तो देख रहे हैं ऐसे डो बनाया था ना, तो ऑयल अच्छे से ग्रीस कर दिया था। और यहाँ पर हो गया है कढ़ाई गर्म, तो डालते हैं ये, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर इसको हाथों से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बेलन का यूज़ करें, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रही हूँ। ये अपने आप ऊपर आ रही है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है।
थोड़ा सा लाल होने के बाद हम पलट देंगे, दोनों तरफ से लाल होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे अब दूसरा डालूंगी, दूसरे को भी आप थोड़ा सा पतला करके हाथ से भी हो जाए या फिर ऐसे भी करके आप डाल सकते हैं। और ये अपने आप धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, दिखेगा आपको कि ये ऊपर आ रहा है और अपने आप पता चल जाता है थोड़ा सा कि लाल हो गया। इधर से इसको पलट दीजिए, गैस थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, वो हो गया फ्लेम, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये भी लगभग होने वाली है, देख रहे हो गया ये। ऐसे करके सारी कचौरियाँ रेडी कर लीजिए और फटाफट इसको निकालते रहते हैं। तो कचौड़ियाँ यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ सर्व करके। इसके साथ जो मैंने बनाया है वो है आलू टमाटर की सब्जी। और इसके साथ मैंने बनाया है रायता, तो रायता भी डालती हूँ। डिनर बनके बिल्कुल रेडी है, यहाँ पर मैंने सर्व भी किया है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो देखिए आप सभी, और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी लगाओ कि मैंने मेहनत करके बनाया है ऑन कैमरा, तो आप इस रेसिपी को बहुत सारा खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। और आपको अगर आलू टमाटर की सब्जी की रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इजी है और बहुत अच्छी लगती है भंडारे वाली सब्जी, तो इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना भी हो सके शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग के साथ।